नमस्कार। मान पूर्णा की रसोई में आपका स्वागत है। सावन का महीना है। आज आपको मैं सिंपल पूड़े बनाना सिखा रही हूँ तवे के ऊपर। जो माल पुए हैं वो तो पहले मैं दो तीन बार वीडियो डाल चुकी हूँ उसकी, आप देख सकते हो। और ये मैंने इस तरीके की 1.5 कटोरी आटे की ली है और चीनी ली है मैंने 1/2 कटोरी और थोड़ी सी अजवाइन ली है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रिफाइंड लिया है जो हम पूड़ों के ऊपर लगाएंगे और पानी लिया है। चलिए अब हम तैयार करते हैं आटे का गोल। अजवाइन डाल रही हूँ, चीनी भी इसके साथ ही डाल दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पहले अच्छी तरह मिक्स कर ले इसको। ज्यादा पतला घोल नहीं बनाना। अच्छे तरीके से इसकी मिक्स कर लेनी अंदर। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crowd. Some days I feel skinnier than all the other days. ये हमारा गोल बन के तैयार हो गया है। हम पूड़े बनाएंगे। ये गोल बन के तैयार हो गया है, इस तरीके का बनाना है। इसको 1-2 मिनट के लिए रख देना बना के। गैस मैंने ऑन कर रखा है, गैस बिल्कुल कम है और तवा गर्म हो चुका है हमारा। अब हम हल्का सा इस पर रिफाइंड लगाएंगे। और छोटे छोटे पूड़े बनाएंगे। Redemption, honesty is a one-way gate to hell. I want to taste consumption. ये पूड़े भी बहुत खाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। हल्का सा गैस में तेज कर दूंगी। इसको हम खीर के साथ बनाकर भी, जैसे खीर बनाते हैं तो हमारे में खीर फीकी बनाई जाती है, उसमें चीनी नहीं डाली जाती है, तो खीर के साथ भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये फीकी खीर के साथ। और ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा पूड़ा बन के तैयार हो गया है। फर्स्ट क्लास, ज़्यादा इसको नहीं हमने करना है। ये देखिए, गैस बिल्कुल कम कर देना है। दोबारा वैसे ही पूड़ा हमने डालना है, हल्का सा रिफाइंड लगाना है, सेम वही प्रोसीजर करना दोबारा। ये मेरे सिंपल पूड़े बनके तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर मैंने बादाम का जो है तो उसको क्रश करके डाला है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, गुलगिरी भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप मेरी ये रेसिपी जो मैंने बनाई है पूड़ों की, इनको आप ज़रूर बनाएं, खाएं, औरों के साथ भी शेयर करें।
और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आगे भी जो मैं वीडियो डालूंगी प्लीज़ उसको ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।